हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे। और भाई मैं आज बहुत दिन में अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि बीच में तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, और फिर मेरा व्लॉग शूट करने का मन नहीं करा। तो आज हम अपना प्रॉपर व्लॉग शूट करेंगे, और मैं हूँ अभी ऋषिकेश। आज मेरे को दूसरा दिन है, मतलब मैं व्लॉग शूट नहीं कर रहा था, पर मेरे को बोला दीदी ने और भैया ने कि तू व्लॉग शूट कर। तो आज हम अपना प्रॉपर व्लॉग शूट करेंगे, और मैं ऋषिकेश में हूँ। यहाँ पर हसमत भाई के होटल हैं, मतलब इन्होंने ले रखे हैं होटल अपने, तो मैं आपको होटल्स भी दिखाऊंगा और हम घूमने भी जाएंगे, वहाँ भी दिखाऊंगा। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहे मेरे व्लॉग के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये है वो होटल जो भाई ने और दीदी ने लिया हुआ है, और इसमें ही रुके हुए हैं। और ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा पप्पी माइलो, और ये हैं दीदी के भाई, ये उनका बेटा। जा रहे हैं अभी हम कहीं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं दीदी? हम जा रहे हैं शिवपुरी पेट्रोल पंप के पास में एक्टिविटीज करने के लिए। बंजी जंप आप भी करोगी? भाभी और काका आए हुए हैं, तो उन्हें घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं। और तुम्हें पीछे बैठना पड़ेगा। हाँ मैं पीछे बैठूंगा। आ चुके हैं हम, कहाँ गए? बंजी करने के लिए। अभी तो श्वेता दीदी के भाई करेंगे, अगर मैं उन्हें देखूंगा उसके बाद डिसाइड करेंगे कर पाएंगे या फिर नहीं। और ये है यहाँ का व्यू, और हमने कार पार्क कर दी है अपनी उधर साइड। हसमत ये दीदी और काका, हसमत भाई आ रहे हैं अभी पीछे, और दीदी चल रही है हमारी आगे, और हमें जाना है इसके ऊपर। अभी मैंने देखा, डर तो लग रहा है इसको देख करके, पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं भी करूँ। डर लग रहा है इनको देख करके बहुत ज़्यादा, और अगर दीदी करेंगे तो मैं पक्का करूँगा। दीदी तो मना कर रही है कि मैं नहीं करूंगी, मुझे तो देख कर ही डर लग रहा है इसको। दीदी ये करोगी कि वो वाली? ये तो ज़्यादा ऊंची है। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ बंजी जंपिंग, मतलब जो ये है ना बंजी जंपिंग, वो मतलब यहीं से ही वो करना पड़ता है। ये उसके कुछ फॉर्म फिल करने पड़ते हैं कि जो भी मतलब उसके रहते हैं, जब हम कुछ करते हैं तो आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, इन सब चीज़ों का मतलब यहाँ पर हमें वो करना पड़ता है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। कभी बाद में फिर इनके कोई वो नहीं रहती। ये देखो कितना ऊपर है, ये है पूरा 109 मीटर का पंजी जंपिंग है। ये यहाँ पर फॉर्म फिल हो रहे हैं, नाम और डेट और डेट ऑफ बर्थ, एज, नंबर, व्हाट्सएप नंबर और साइन, ये सब हो रहा है। कर दिए हैं दोनों भाई ने, अब वो करेंगे बंजी जंपिंग। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरी एज अभी कम है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं नहीं कर सकता। ये है बंजी जंपिंग का बिल, आप बिल देख सकते हो, काफ़ी छोटा बिल दिया है इन्होंने। और इधर वेट हो रहा है भाई का, और भाई इधर का व्यू देखो आप, इधर बंजी जंपिंग है और इधर साइकिल है, और इधर वो कार वगैरह जो चलती हैं वो हैं। तो मतलब व्यू तो काफ़ी अच्छा है यहाँ का, इधर का। ये ऋषिकेश में है, काफ़ी ऊपर आकर है, पर ये मेरा मन है राफ्टिंग का। इसमें मेरा मन इसलिए नहीं कर रहा, अगर मैं इसमें एक बारी चला गया ना फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी मुझे इसलिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर मुझसे कार में भी नहीं बैठा जाएगा और मूड सारा ख़राब हो जाएगा। तो इसमें उल्टे आते हैं ना, अभी कराई थी इन्होंने भाई ने, मैंने आपको दिखाया था पहले, तो इसमें उल्टे आते हैं ऐसे, तो इसलिए फिर कार में मतलब मेरा तो मूड ख़राब हो जाएगा पूरा, इसलिए मैं बंजी जंपिंग नहीं कर रहा। और मैं राफ्टिंग ज़रूर करना चाहूँगा अगर राफ्टिंग पर हम लोग गए तो। दीदी बताओ कौन कौन कर रहा है? अभी कर रहे हैं हसमत भैया और मेरे भैया, दो लोग। हिंदी कर रही दीदी? नहीं। Why? मुझे डर लग रहा है। English. Okay. 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 Okay.
आई फील कंफर्टेबल लाइक लेट अस सी देयर रिएक्शन. अभी जो ऊपर से वो देखे ना, ये भाई बहुत गंदी हालत हो गई होगी इनकी, इसलिए हम नहीं करेंगे. हम दोनों तो बस इधर ही रील बनाएंगे. अभी जा रहे हैं हम कुछ खाने के लिए. इवन हमने सुबह भी कुछ नहीं खाया था और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा. और ये देखो कौन सी बंजी जंपिंग है, पता नहीं. हाँ तो मैं कह रहा था कि हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है. मुझे नहीं, सबको इधर भूख लग रही है. और मैंने चश्मा भी पहन लिया है अब, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है. इसमें श्वेता आप भी नहीं कहना चश्मा तो मैं भूल गई. ऊपर आएगा उनके पास है, मेरे घर पड़े हैं चश्मे, मेरे पास हुको बॉस है. लो 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 गरीब हो. ये अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अब हम जा रहे हैं मैगी खाने. पहाड़ों पे आए, मैगी नहीं खाई तो क्या करा? हाँ ये वाली लाइन दोबारा. पहाड़ों पे आए और मैगी नहीं खाई तो क्या करा? पहाड़ों पर आए और मैगी नहीं खाई तो क्या करा? तो इसलिए हम जा रहे हैं मैगी खाने के लिए. बुला रहे हैं हमें, बुला रहे हैं पहाड़. इधर इसकी आवाज आ रही है और ये है इसकी आवाज आ रही है इधर. तो व्लॉगिंग करते हुए थोड़ा मतलब मुश्किल हो रहा है, लोग शूट करते हुए काफ़ी मुश्किल हो रहा है. बट मैंने काफ़ी दिन बाद व्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मैं व्लॉग अब मतलब अब मैं डेली व्लॉग करूँगा. शायद जो मेरे सब्सक्राइबर 2-3 भी देख रहे हैं ना मेरे को, वो मुझे बहुत अच्छी खुशी है. और मेरे 2-4 भाई हैं और वो देखते हैं, तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए. तो मैं व्लॉगिंग तो मैं डेली करूँगा. मैगी आ गई हमारी, खा रहे हैं मैगी. साला मेरे को हाथ तोड़ देना, बोल रही इतनी मिल गई है. ये सही है ना? ये आ चुकी है हमारी मैगी. और इसे खाने के बाद हमने पैरासिटिंग कर लिया. मुझे लग रही है मैं पहले ये खा लूं, उसके बाद ही व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा. भैया जा चुके हैं बंजी जंपिंग के लिए, ऊपर जा चुके हैं और अभी मतलब वो रेडी वगैरह हो रहे हैं. जो सेफ्टी वगैरह होती है वो हो रहा है और तब वो कूदेंगे ऊपर से. तो उनका रिएक्शन देखना है मेरे को बस. तो अभी तो वो ऊपर गए हैं, अभी मतलब सेफ्टी वगैरह लोग पेन भी हो रहे हैं. ए काके काके बार बार पन्ना लाल जी को बीच में मत लाया करो, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ ठीक है. वो क्या बोल रहे क्या नहीं, तुम्हें कोई कंप्लेन है तुम मुझे बोलोगे, पन्ना लाल जी को नहीं. तो मैं कल परसों नहीं बोला आपने मुझे, आपने मुझे कल बोला है. और आपको भी पता है कल हम थोड़ा सा बिजी थे, लेकिन मैंने फिर भी उस तक मैसेज किया, खुश कर दिया मैंने काके को. कूद तो रहा है पर हमें पता नहीं कौन है. अजमत भाई, ओ भाई, ओ भाई, जिम्मे हो ये भैया, इन्हें खींच लो वापस. ये भैया ने कर लिए और अब मैं इनसे बात करना चाहूंगा स्पेशली. आ जाओ नीचे, बात करनी है तुमसे. कुछ तो हुआ होगा जरूर, बात करते हैं अब. एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड. टॉक टू अश्मत ब्रो, टॉकिंग अश्मत ब्रो. और अभी आ रहे हैं वो नीचे, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा क्या हुआ उनके साथ, कैसा लगा. फर्स्ट टाइम था उनका शायद, फर्स्ट टाइम था उनका. अश्मत भाई आ रहे हैं, मैं इनसे बात स्पेशली करूँगा. वो क्या, मैं ही जा रहा हूँ उनके पास अश्मत भाई से बात करने के लिए. ब्रो क्या, ओ गीले हो गए तुम तो, कैसा लगा सही बताओ. शावर तक जाऊंगा. सुनो तो अशोक भाई कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत डर लगा कुछ अजीब फीलिंग. भाई ऊपर जाके नु कह रहा मैंने कर रहा था, पहले तुम जाओ. भैया फीलिंग कैसी फीलिंग आई? शायद अच्छी फीलिंग है, पर मैं फिर भी नहीं करूँगा. भैया को पूरा 1 घंटा हो गया, अश्वंत भैया तो कूद गए थे
स्टार्टिंग में, पर उनको एक घंटा हो गया, उनको डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तब से 20-22 बंदे कूद चुके हैं पर वो नहीं कूदे अभी। भाई 3 घंटे हो चुके हैं और जो इनके हस्बैंड यानी कि श्वेता दीदी के भाई हैं वो अभी तक नहीं कूदे हैं, उनको डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। 3 घंटे प्रॉपर हो चुके हैं मैं यहाँ बैठे हुए, बट वो आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या है। तक तो मैं भी कूद जाता है, तो मैं फिर भी नहीं कूदूँ। पूरे 4 घंटे हो चुके हैं और भैया अभी भी नहीं आए, भूख भी लग रही है, खाना भी खा लिया और चाय भी पी ली, पर वो अभी भी नहीं आए हैं। मतलब इतना डर लग रहा है ना बंदे को, बहुत ज़्यादा। कब आएंगे दीदी भैया? ये आएगा, लड़की भी आएगा, इसके बाद एक लड़की, फिर भैया आ जाएंगे पक्का, डन कर दें। कॉल आ गया। आ गए भैया, तुम आ गए, आ गए। कैसा लगा भैया? बहुत बढ़िया लगा। इतना डर क्यों लग रहा था, इतनी लेट आए तुम? अरे डर नहीं लग रहा था, मेरा नंबर ही लेट था। नंबर लेट था, कलर वाइज चले थे, रेड था इनका, ग्रीन था। तुम्हारा किधर है? कलर दिस इज माय सर्टिफिकेट। मजा आया वैसे भैया? मेरा सर्टिफिकेट है ये, दोबारा नहीं करेंगे, 60 मीटर तक कूदाऊं। ये सर्टिफिकेट मिला क्यों? ये प्रूफ है, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। चले, इनके लिए नहीं है, इनके लिए भी नहीं है। दीदी आपके लिए भी नहीं है, चले आप घर। घर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? हमारे दूसरे होटल जा रहे हैं, लक्ष्मण झूला पे। क्यों? वहाँ पे छोटे वाला भी पहले खाना खाएंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? घर चल रहे हैं आप, तो दूसरा होटल भी देखना है ना। चलो तो फिर ठीक है, दूसरे होटल चल रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं हम भाई के दूसरे होटल, जो कि यही है, मतलब पता नहीं कितनी दूर है, तो इनके दूसरे होटल जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ एक छोटी वाला रेस्टोरेंट है, वहाँ पर खाना खाएंगे, उसकी वजह से जा रहे हैं पहली बात तो। और फिर उसके बाद हम वापस उसी होटल जाएंगे जहाँ सुबह थे हम, क्योंकि हमारा सारा सामान जो है वो उधर ही है और मेरा भी मन उधर ही लग रहा है, ऋषिकेश में उसी होटल में, क्योंकि उससे थोड़ी सी यादें जुड़ गई हैं मेरी इसलिए। और हमारा जो पपी था जो मैंने तुम्हें सुबह दिखाया था वो भी उधर ही है, उससे भी थोड़ा मन लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले होटल, खाना भी खाएंगे, खाना तो वैसे मैंने अभी भी खाया था और दोबारा खा लेंगे। अभी आप बताओ हम क्या क्या करने वाले हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आवर सेकंड होटल व्हिच इज लोकेटेड इन लक्ष्मण झूला, ओके, होटल देवराज। और देन वी गो फॉर like some food or something, we'll go to a cafe and we'll enjoy over there. And choti wala also, we'll go there and have the famous aloo puri from Rishikesh. Aloo puri jo hai yahan ki famous hai yahan ki aloo puri. To hum ja rahe hain abhi, didi ne aapko samjha diya, aa chuke hain. Ab hum aaye hain choti wala restaurant. Choti wala restaurant kitni dur hai bhaiya yahan se? Yahan se lagbhag 100 meter niche upar, niche तो 150 मीटर। कहाँ पे हम? ऋषिकेश। हाँ, आ चुके हैं हम छोटी वाला रेस्टोरेंट, यहाँ पे बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। और हसमत भाई आगे चल रहे हैं और श्वेता दीदी भी उनके साथ ही हैं। ये रेस्टोरेंट है छोटी वाला, ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है और ये रियल है भैया। हाँ ये रियल है, ये डर गया, काका डर गया। यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं ट्रैवलर, वो यहाँ पर ही खाना खाते हैं, तो हम भी बहुत दूर से आए हैं स्पेशली खाने के लिए, यहाँ के फेमस जो यहाँ का खाना है उसके लिए आए हैं हम तो। और ये हमारा मेन्यू आ चुका है, इसमें देखते हैं, मैं तो थाली और आ चुकी है हमारी थाली, इन्होंने खाना भी स्टार्ट कर दिया है। देखने में तो अच्छी लग रही है, खाने के बाद पता चलेगा अच्छी है या फिर नहीं। मेरे को भूख लग रही है, पहले मैं फटाफट से खाना खाऊंगा, उसके बाद ही ब्लॉग स्टार्ट। खाना हमने फिनिश कर दिया है, सही था खाना, मतलब नॉर्मल था, पेट भर चुका है पूरा। अभी हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं वापस, तो अब जा रहे हैं हम वो अपने वाले होटल पर, मतलब दूसरे वाले होटल पर, देव दर्शन पर, मतलब जिस पर हम थे, जिस पर मैं सुबह था उसी होटल पर जा रहे हैं अब हम। ले ले
ये बेचारे को इसको हम यही छोड़कर चले गए थे, इसलिए कल भी ऐसे करा था इसने। दीदी बहुत प्यार करता है आपसे, है ना? माय लो गुस्से में क्या ताली दे बहुत मजा आया आज घूमने में, और जो दीदी के भाई आए हुए थे इसलिए हम घूम भी लिए। मतलब वहाँ जो गए थे तो हम इसीलिए गए थे क्योंकि दीदी के भाई आए हुए थे, अब शायद वो अभी निकलेंगे, तो आज बहुत इन्जॉय करा हमने। तो ये था आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।